शहर में मटमैले पानी की सप्लाई पर राजनीति गर्मा गई है। शुक्रवार को कांग्रेस पार्षदों ने नगरपालिका में धरना देकर पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए सीएमओ को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। वहीं दूसरी ओर इंजीनियर से चर्चा के बाद फिल्टर प्लांट पहुंचकर नगरपालिका अध्यक्ष अशोक मालवीय ने वस्तु स्थिति बताकर साफ पानी होने का दावा किया। दरअसल तेज बारिश से चंबल में बाढ़ आने के बाद शहर में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। हकीकत जानने के लिए कांग्रेस पार्षद फिल्टर प्लांट पहुंचे थे। सीएमओ ने लैब टेक्नीशियन को नोटिस देकर जवाब मांगा था। शनिवार को बारिश थमने के बाद 8 जुलाई को नगर पालिका ने फिल्टर प्लांट की सफाई कराई, जिसमें 3 से 4 फीट तक गाद निकली थी। 1-2 दिन साफ पानी आया, इसके बाद फिर गंदा पानी सप्लाई हुआ, जिस पर दोनों राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी जनता को हकीकत बताने के लिए आमने सामने हो गए। स्वच्छ पानी दे न सका जो वो अध्यक्ष निकम्मा है, जो अध्यक्ष निकम्मा है वो अध्यक्ष बदलना है। नगर पालिका अध्यक्ष इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कांग्रेस पार्षद सहित कार्यकर्ताओं ने बोतल में गंदा पानी भरकर रैली के रूप में नारेबाजी कर नगर पालिका पहुंचे। सीएमओ सतीश मठ सेनिया जल कार्य शाखा प्रभारी इंजीनियर जितेंद्र पटेल से कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने पूछा, महीने भर से गंदा पानी आ रहा है, आखिर कब तक शहर की जनता को गंदा पानी पीना होगा। पार्षदों ने कहा, नगर पालिका ने शहर को शुद्ध पानी पिलाने के लिए 20 करोड़ की जल आवर्धन योजना लागू कर जलकर भी 40 से बढ़ाकर 80 रुपए कर दिया है, फिर क्यों जनता को गंदे पानी से समझौता करना पड़ रहा है। कांग्रेसियों के सवाल पर इंजीनियर पटेल ने कहा, पानी को फिल्टर करने में उपयोग में आने वाला एलम खत्म हो गया है। इस पर पटेल ने कहा, हम जिस कंपनी से एलम खरीदते हैं वह 12% जीएसटी लगा रही है, जबकि हम 9% जीएसटी रेट में एलम खरीदते हैं। तभी पार्षद जगदीश मिमरोट ने आरोप लगाया कि नगर पालिका आरओ प्लांट से सप्लाई होने वाली पानी की केन की खपत बढ़ाने के लिए गंदा पानी सप्लाई कर रही है। स्वयं नगर पालिका ही अपने कार्यालय में ही आरओ का पानी मंगवा रही है। कांग्रेसियों ने सवाल किया कि वे इस समस्या का समाधान कितने दिन में करेंगे। अधिकारियों ने पहले 7 दिन का समय दिया, लेकिन कांग्रेसी नहीं माने, फिर 3 दिन में सुधार करने की बात कही। अधिकारियों के समय देने के बाद कांग्रेसियों ने चेतावनी दी कि समयावधि में निराकरण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करेंगे। आया हुआ ये पानी और ये आज के नगर पालिका नागदा जनता पिला रही है वो वाला पानी, ये श्रीराम कॉलोनी का पानी, ये नगर के विभिन्न वार्डो का पालिया का पानी, जनता पर टैक्स का बोझ डाल दिया गया सिर्फ इसलिए कि हम आपको आरओ और मिनरल वाटर का पानी पिलाएंगे। और ये रहा आपका आरओ और मिनरल वाटर का पानी, शर्म आनी चाहिए, हमको भी शर्म आ रही है। हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता हमसे पूछती है कि साहब ये पानी कैसे दे रहे हैं। हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी मुआयना करके आते 5 दिन पहले और एक वो लोटे में पानी बताते कि आज कल के आज के बाद ये वाला पानी मिलेगा आपको, तो ये वाला पानी दिखाया था क्या उनने? आपने फिल्टर प्लांट की सफाई करी थी, बताते कि 2-3 फीट गाद निकली उसमें, तो गाद क्या वही पानी में मिला दी जो हमको पिला रहे हो आप लोग? हमारे स्वास्थ्य के साथ, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा, इसका कोई स्पष्ट उत्तर दे दे आप। टर्बिडिटी अब है नहीं, भाव है नहीं। ग्रेसिम का बोल रहे थे कि ग्रेसिम पानी 1 टाइम दे रही है या 2 टाइम दे रही है, वहाँ पर प्रेशर कम है इसलिए स्वच्छ पानी है। आपने 1 टाइम में पूरा वाटर फिल्टर प्लांट साफ करके देख लिया, एक समय नगर को पानी दे दिया, उसके बाद भी ये स्थिति है, तो इसका क्या कारण है ये बता दें आप। अभी पी एस सी का और मंगाए हैं, उसमें थोड़ी अभी इनका जीएसटी का कम हो गया, उनने कम पेमेंट किया था कम वो, तो फिर से एक वाउचर मंगा के पहले जीएसटी वो मंगाएंगे अपन। पी एस सी मिला के जो एक्स्ट्रा चीज मंगा रहे हैं उन लोग मिला रहे हैं, अपन वो भी मिला के चेक करते हैं। इतने दिन खराब मिला हुआ होगा, कर्मचारी के पास तो करोड़ों रुपए ये पानी आप पिएंगे क्या? बाढ़ में पानी खराब आता है तो उसका इशू है। ये पानी आप पिएंगे क्या? अपन इतना क्लियर पानी दे सकते हैं पर उसमें पीएच ज्यादा खराब आ सकता है, तो लोग नए पीएसी मिला रहे हैं, अपन ज्यादा वो मिला के तो ज्यादा फिट कर ही आ सकते हैं।
सकती है। क्या सीएमओ साहब, ये गंदा पानी नगर की जनता को मिल रहा है तो जल कर जो 60 रुपए ले रहे हो वो आप करोगे क्या जनता का? वो जनता क्यों इस गंदे पानी का पैसा आपको दे? पैसे को रिटर्न किया जाए, गंदे पानी का पैसा जनता क्यों दे ये बता दो। हम लोगों ने मिनरल वाटर देने के नाम पे करोड़ों रुपए की जलावर्धन योजना शुरू करी थी। बड़ी बड़ी बातें मंचों से की गई थी कि मिनरल वाटर आरओ वाटर दिया जाएगा। एक दिन भी आरओ वाटर या मिनरल वाटर नहीं आया रहा मेरे भैया। ये आरओ वाटर मिनरल वाटर दूर, सिर्फ नाने जितना अच्छा पानी दे दो तो बड़ी बात हो जाएगी आपकी। आप ये टाइम बताओ शेमो साहब, एक्स्ट्रा चीज हम मिला आपको भी विजिट करवा देंगे। पटेल साहब, क्या ग्रेसिम के विंटर प्लांट का अवलोकन करा हमारे अधिकारियों ने? बोला पानी पीने को और उपयोग करने को मजबूर है तो उसके क्या कारण है ये बताया जाए। जितनी भी अपने को मिनरल वाटर जो आरओ वाटर की जो नाकदम बट रही है वो हड़ताल करने, एक भी नाकदम नहीं बटने देंगे। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती, हम जितने भी प्लांट है नहीं फिल्टर प्लांट वो सब नाकदम बंद हो जाएंगे। आपके बॉटल नगर में सप्लाई नहीं होगी, आपके नगर पालिका में सप्लाई हो रही है, आपके यहाँ पे सप्लाई हो रही है, कहीं भी सप्लाई नहीं हो रही है। सारे नगर के जितने भी अपने चल रहे आरओ का ये प्लांट बंद कर दिए जाएंगे, इसकी जवाबदारी पूरी नगर पालिका की रहेगी। उनका कहना है कि मतलब जो पत्रकार लोगों से बात हुई है उनका कहना था कि जवाब दे पाइए, उसका कहना था कि मैंने जवाब दिया है। साहब आपको तो आपकी तरफ से समय सीमा बाकी है, मतलब कर्मी है बाकी, क्योंकि केमिस्ट है, केमिकल के बारे में पूरा नॉलेज रखती है उसने। ये पानी दे गया है बस, उसके जीएसटी में इशू था, उसने कम जीएसटी का दिया था। ये बिल मेरे पास पड़ा है, उसने 5.5 के हिसाब से दिया है, उसको 9 के हिसाब से देना है। पीएससी पाउडर है, बस पेमेंट हो गया अपनी तरफ से। तो हो गया सिद्ध कि ये मंगा के रखा नहीं था अपन लोगों ने, इसलिए ये गंदगी पानी भुगत रहे हम लोग। आप टाइम बता दे हमको कि किस टाइम तक आप दे दोगे हमको स्वच्छ पानी, ये बता दो आप। हमें टाइम चाहिए हमको, इंक्लूड करने लगे अभी तो एलम मिल रही है सही टाइम से, सब प्रॉपर है। अभी आप विजिट कर सकते हैं प्लांट में जाके, अभी बिल्कुल क्लियर पानी है। आप लोग का वाटर का पानी आ रहा है वहाँ की लाइन की चेक करवा देंगे टंकियां। आप लोग पानी मंगाना बंद कर दो, पानी को पी रहा हूँ ये पानी यूज करो जो पानी लोगों से मालूम पड़े भाई। नगर पालिका की तरफ से स्वच्छ पानी दिया जाए पूरी जनता को पीने का, एक एक केन सप्लाई करो, केन सप्लाई दी जाए रोज का, ये इतने रोज 7 रोज अभी आश्वासन दे दो हमें कि 7 दिन तक आपको रात का समय ले लो। सीएमओ साहब अभी आप अध्यक्ष जी से ये बात करें, पानी बिल्कुल क्लियर है, ये 2 टाइम 3 टाइम ये सारे वार्डो का पानी है। ये सब घरों का पानी है, ये सबके घरों का पानी। नागदा नगर की जनता गंदा पानी नहीं पिएगी, नहीं पिएगी, नहीं पिएगी। नागदा नगर की जनता गंदा पानी नहीं पिएगी, नहीं पिएगी, नहीं पिएगी। यही पानी सप्लाई हुआ तो कोई समझौता नहीं किया जाएगा, हमारा आंदोलन आगे बढ़ेगा और उग्र रूप लेगा, उसकी जवाबदारी आपकी रहेगी। 3 दिन साहब है ना, मंगलवार तक करो व्यवस्था। इस बात से परेशान है, त्रस्त है कि मठमेला पानी नगर पालिका द्वारा क्यों सप्लाई किया जा रहा। आज से 7-8 दिन पहले कांग्रेस पार्षद दल वहां पर गया था, फिल्टर प्लांट पे दौरा करा था, तो कई तरह की अनियमितता पाई गई, जिसमें जो बाबा आदम के जमाने के समय जो तकनीक या जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी पानी को फिल्टर करने की, वही तकनीक नगर पालिका आज भी अपना रही है। आज भी मैं ये कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो फिल्टर करने के जो एलूम है या जो भी मंगवाए जा रहे हैं
उसमें मोटा कमीशन जनप्रतिनिधि और अधिकारियों द्वारा खाया जाता है, लेकिन नगर की जनता को मटमेला पानी पिलाकर नगर की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस दिन कांग्रेस पार्षद दल गया था वहां पर एक दिन बाद में साफ पानी नगर की जनता को दिया गया, लेकिन दो दिन बाद फिर स्थिति जस की तस हो गई। पहले यह कारण बताया जा रहा था कि नदी में बहाव तेज है, ओवरफ्लो हो रहा है, तो मट्टी आ रही है, इसलिए हम पानी मटमेला दे रहे हैं या साफ पानी नहीं दे पा रहे। आज 5 दिन हो गए साहब, ना तो वहाँ नदी में पानी स्थिर हो गया है, बहाव खत्म हो गया है, मौसम खुल गया है, उसके बाद भी नगर पालिका नागदा के जनप्रतिनिधि बड़ी बेशर्मी के साथ में ये बयान देते हैं, एक लोटा उठा के हमारे नगर पालिका अध्यक्ष, कि नगर की जनता को इतना स्वाप पानी मिलेगा। अरे 5 दिन से अपना मुंह खोल के तो बताओ कि नगर की जनता इस तरह का पानी पीने को मजबूर हो रही है। ये ग्रेसिम का पानी है, ये नगर पालिका का पानी है, दोनों एक ही नदी से पानी लेते हैं, दोनों का फिल्टर प्लांट अलग अलग क्यों, दोनों की तकनीक अलग अलग क्यों? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। पानी के नाम पर नगर पालिका नागदा जलकर बढ़ाने में कोई कोताही नहीं बरतती। कांग्रेस पार्षद दल ने इस बात का विरोध करा था कि आप जलकर क्यों बढ़ा रहे, लेकिन बढ़ाया गया। सारे भाजपा के पार्षदों ने इस बात का समर्थन करा कि जलकर बढ़ाना चाहिए। अरे जलकर बढ़ाने के बाद भी आप नागदा नगर को मिनरल वाटर आरओ वाटर का दावा करने वाले आप लोग मटमेला पानी पिला रहे हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, राजनीति करते हैं ये। अगर नगर की जनता को इस तरह का पानी पिलाना आप लोगों के लिए सही है तो इस तरह के मुद्दों पर राजनीति करना हमारे लिए सही है और हम वो 100 बार करेंगे। 3 दिन के अंदर अगर ये व्यवस्था नहीं सुधरी, आज शुक्रवार शनिवार रविवार और सोमवार 3 दिन का समय है, मंगलवार को नगर की जनता के साथ में बहुत बड़ा आंदोलन सड़कों पर करेंगे। यह हम कांग्रेस पार्षद दल नगर की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। स्वच्छ पानी के लिए किसी भी तरह का आंदोलन करना पड़े तो हम करेंगे और करने के लिए तैयार हैं। को लेकर नगर पालिका पर कई तरह के आरोप भी लगाए गए हैं, इसमें व्यवस्थाओं में क्या सुधार होगा सर? पानी को लेकर जो कंप्लेंट की गई है कि गंदा पानी आ रहा है, तो उसमें हम सुधार करते हैं। 2-3 दिन में हमारे जो जल शाखा को देख रहे हैं इंजीनियर साहब, उनका कहना है कि उसमें उनको एक पाउडर की आवश्यकता है। उस पाउडर को भी मैंने तो ऑलरेडी मंजूरी दे रखी है कि आपको जो भी आवश्यकता पड़ रही है जिस भी संसाधन की, पानी को सही पिलाने के लिए जनता को, तो वो मेरे यहाँ से आप बिल्कुल तत्काल लें। सर ये कितने दिन में ठीक हो जाएगी परेशानी हो, जिस हिसाब से ये अगर दिया गया जो आंदोलन की? जी जी, 3 दिन का उन्होंने समय दिया गया है, तो हमारी कोशिश है 3 दिन से पहले इसको सही करना। कांग्रेसियों के धरने के बाद नगरपालिका अध्यक्ष अशोक मालवी ने इंजीनियर पटेल को केबिन में बुलाकर चर्चा की, जिसमें इंजीनियर ने नगरपालिका अध्यक्ष को फिल्टर प्लांट पर साफ पानी का फोटो दिखाया। इसके बाद नगरपालिका अध्यक्ष इंजीनियर उपाध्यक्ष सज्जन सिंह शेखावत के साथ फिल्टर प्लांट पहुंचे। उन्होंने फिल्टर प्लांट से निकल रहे साफ पानी का सबूत पेश किया। नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा, प्लांट की सफाई के बाद पानी साफ आ रहा है, मशीनें भी सही है, एलम खत्म हो गया था, इंजीनियरों के अवगत कराने के बाद वो भी मंगवा लिया गया है, अब गंदा पानी सप्लाई होना नामुमकिन है। ये माना जा सकता है कि किसी क्षेत्र की पाइप लाइन में लीकेज से नाली का पानी आ रहा होगा, जिसे चेक कराकर दुरुस्त कराएंगे। नगरपालिका अध्यक्ष ने कांग्रेस के आंदोलन को षड्यंत्र बताया। वे बोले, विधानसभा चुनाव में शहर से भाजपा की जीत से कांग्रेस बौखला गई है, आगामी 3 महीने में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस ऐसा कर रही है, ऐसे में जनता भी नगरपालिका इंजीनियरों से परमिशन लेकर स्वयं फिल्टर प्लांट का निरीक्षण कर पानी फिल्टर की प्रक्रिया देख सकती है। मौके पर मौजूद लेब केमिस्ट ज्योति राठौड़ ने भी पानी फिल्टर की प्रक्रिया बताई। पानी सफेद क्यों नहीं आ रहा था? सर आप देखिए, आपके सामने रिजल्ट है हमारे पानी का, पानी एकदम क्लियर है। नहीं, ये पानी आपने 4 दिन पहले ही बताया था, लेकिन 2 दिन बाद फिर पानी खराब आने लग गया। नहीं सर, एक्चुअली अभी सर ने जैसा बताया आपको कि हमारे यहाँ थोड़ा स्टॉक, मतलब हमारा जो केमिकल है उसका थोड़ा स्टॉक आउट हो गया था, उसके कारण हमारी क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई थी, उसके कारण जो पानी का कलर था वो हल्का सा दूधिया था, लेकिन वो पानी पिएबल था।
मीन्स वो सेफ ही ह्यूमन बींग्स के लिए है। मैडम आपने भी स्वीकार करा कि स्टॉक की कमी आ गई थी, तो क्या प्लांट सबसे प्लांट का अपन संचालन करें, प्री प्लानिंग नहीं होती अपनी तरफ से कुछ भी? नहीं सर, प्री प्लानिंग थी ना, प्री प्लानिंग है। और स्टॉक में मतलब ये कि ख़त्म नहीं हुआ है, मैं पूरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन थोड़ा मतलब जो उसकी जो वो है पानी को जो क्लियर करने के लिए वो हल्का दूधिया कलर आ रहा था पानी का, तो वो मतलब आपने स्टॉक के कारण उसमें कम मात्रा मिलाई? कम मात्रा नहीं, मात्रा तो लिमिट में ही थी, तो इसीलिए तो दूधिया हुआ। नहीं नहीं सर, मात्रा तो जितनी हम देते वही लिमिट में ही आई थी, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर साफ क्यों नहीं हुआ फिर लिमिट में? सुबह अभी जैसा हमने बताया ना कि बारिश का टाइम है, तो उसके नहीं, उसके दो दिन पहले साफ था, फिर दो दिन बाद फिर ऐसा हो गया, तो कहीं ना कहीं स्टॉक की कमी थी। नहीं मैडम, आप बारिश का एक्सक्यूज ले रहे थे, तो नदी में फ्लो बिल्कुल खत्म हो गया, पानी स्थिर हो गया। आज है वो, आज है वो, तो पिछले दो दिन में क्या हुआ? कल भी पानी क्लियर था। तो अभी चल रहा है उसमें क्या, कल एलम की मात्रा थोड़ी कमी आ गई थी, तो स्टॉक कम डल रहा था। आज कल रात को वरिष्ठ अधिकारियों और अध्यक्ष जी को बोल के गाड़ी बुला ली गई है, और अभी गाड़ी खाली भी हो रही है, कल रात से आ गई थी गाड़ी, और अभी पर्याप्त मात्रा में एलम भी डली है, तो आप पानी देख सकते हैं क्लियर है। इसके बाद भी फिल्टर और होता है, फिर क्लोरीन भी डल रहा है पर्याप्त मात्रा में। आप उस समय कांग्रेस पार्षदों के सामने किसी चीज़ की बात कर रहे थे कि वो मंगवाना बाकी है या उसके लिए पाउडर? पीएसी पाउडर इसलिए मंगा रहे थे क्योंकि जैसे अभी बाढ़ के समय ज़्यादा मटमैला पानी आता है, तो उसको सेटल करने के लिए, तो वो मंगाने के लिए एक और ऑप्शन था, तो उसकी अभी उनकी तरफ से गलती हो गई थी, जीएसटी उन्होंने कम दिया था, वो अभी फिर से अभी पेमेंट लेके और जीएसटी ज़्यादा करके देंगे, और वरिष्ठ अधिकारियों से और उसका कंसल्ट करके और अध्यक्ष जी को भी बताएंगे कि कैसा क्या है उसमें, तो उनकी स्वीकृति लेके फिर मंगाएंगे उसको। जो भी मटमैला पानी जो आपका आ रहा था वो जो शिकायत आ रही थी, कई जगह तो साफ आ रहा, कई बता रहे काला पानी आ रहा है, हो सकता है जो घर तक जो जा रहा था नाली से उनके पाइपलाइन जाती उसका भी कारण हो सकता है। और बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और आज हम लोग रिजल्ट दिया है तो ठीक है, पानी आपका दोस्तों के सामने हमने दिखाया पानी को, वो सेटिस्फाई है। सिंधे जी, जैसे आपने बोला हो सकता है नाली का पानी पेयजल में मिल रहा है, तो ये आपको कैसे मानना पड़ा नाली का पानी? बहुत शिकायत करते हैं, जैसे ऑफिस में बोला बहुत जगह काला पानी आ रहा है, और जब भी आप देखें तो जो नदी से मेरा जो पानी आ रहा है वही दूधिया है। एक तरफ आप दूधिया पानी की बात कर रहे हैं, आप काले पानी की बात कर रहे हैं? काले पानी से मतलब उनकी भी आपका फुट भी आपका? नहीं नहीं, काला पानी शिकायत उनकी है, तो मैंने ये बोला कि नदी से दूधिया पानी आ रहा है तो काला पानी तो जाने से ना, तो ये उनको चेक वहाँ पर टेक्निकल उनको चेक कराना पड़ेगा। एक आप सब लोगों ने कहावत सुनी होगी कि चूहे को चिंदी क्या मिली, बजाज खाना खो गई। वास्तव में आज जो कांग्रेस का पार्षद दल है नागदा का, उसकी स्थिति ऐसी की ऐसी है, एक लंगड़ी लूली सरकार दो चार सीटों के अंतर से मध्य प्रदेश की बन गई, और उसके पश्चात लगातार सरकार का रोब दिखाकर पार्षद दल कांग्रेस के द्वारा लगातार किसी न किसी बात को लेकर अधिकारियों पर प्रेशर बनाया जाता है, और क्योंकि इसलिए कि इन मान को मालूम है कि दो चार महीने की लंगड़ी लूली सरकार है, इसमें प्रेशर बनाकर अपना जो हित लाभ शुभ लाभ कर सकते हैं वो कर लें। निश्चित रूप से जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि लगातार किसी न किसी मामले को लेकर पूरी नगर पालिका में इन लोगों ने एक न्यूसेंस फैलाने का काम किया है कि किसी भी तरह से अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बनाओ किसी भी बात को लेकर, किसी भी बात को लेकर हमको उनका इतलाब सुधर। जैसा कि आप सब ने देखा कि वहाँ पे पानी आया, पानी के बाद सेटलर में आया, सेटलर के बाद ये पानी इतना साफ, इसके बाद वो हमारा जो फिल्टर है उसने गया, उसके बावजूद भी ये पानी अभी इसमें क्लोरीन मिला हुआ नहीं है। आप सब लोगों हमारे अधिकारी ने बताया होगा कि क्लोरीन मिला हुआ नहीं, इस क्लोरीन मिलाने के बाद ये पानी और कितना साफ होगा ये आप सब कुछ जान सकते हो। ये हमारे नगर पालिका का बढ़िया से पूरा फिल्टर प्लांट चल रहा है, मगर आज जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया मैंने तो पानी देखा नहीं, मगर वो काला पानी कोई कहीं से नाली गटर का उठाकर लेते आए और कह रहे हैं कि फिल्टर है। और ये केवल ये अभी आधे घंटे की घटना में इतना स्वच्छ साफ कर भी नहीं सकते, क्योंकि फिल्ट्रेशन का एक प्रॉब्लम है कि ये सेट होगा पानी, उसके बाद नीचे ऊपर निकलेगा, कम से कम 5 घंटे जैसे हमारे व्यास जी बता रहे हैं कि 5 घंटे कम से कम इसको सेट होने में और फिल्टर होने में इस तरह का पानी बनाने में लगता है। इसलिए ये कहना और केवल झूठ के माध्यम से पूरी शहर को गुमराह करके और ये जो हरकतें कर रहे हैं वो ठीक नहीं है।
विपक्ष में हमने भी काफ़ी साल रहे हैं, हमने 15 साल ठीक है राजनीति में हमारे नगर मध्य प्रदेश में सरकार रही होगी, मगर उसके बावजूद भी हम लोगों ने सभ्यता से बात करी। आज तुम्हारे लहजे बदल गए अधिकारियों से बात करने के, अबे तुबे से अधिकारियों से बात करते हो, इस तरह के आपके लहजे बदल गए। सभ्यता रखना चाहिए, काम ठीक से रखना चाहिए सब लोगों को। हमको भी आज 20-20 साल हो गए नगर पालिका में, मगर आज दिन तक कभी किसी अधिकारी से छोड़ के एक चतुर्थी कर्मचारी से भी अभी तुबे से बात नहीं करी। आप एक CMO स्तर के या इंजीनियर स्तर के अधिकारी से अभी तुबे से बात करते हो, उनसे एक तरफ तो कहते हो कि ये करो और दूसरी तरफ उनकी विचारों की जाके शिकायत करते हो। अरे बेचारे जब शिकायत ही करोगे तो फिर वो अधिकारी काम कैसे करेगा? उसमें तुम्हारे को कोई तकलीफ है तो वहाँ पर नगर पालिका में आके अपनी तकलीफ बताओ ना। जिंदाबाद मुर्दाबाद, हमने भी खूब करे साहब। आप तो 70 साल में से 50 साल सत्ता में रहे होंगे, हम तो 50 साल विपक्ष में रहे हैं, मगर हमने भी कभी ये इस तरह की भाषाओं का या इस तरह के कृत्य नहीं करे। इसलिए जो सत्य है वो सत्य से जनता को अवगत कराओ और सही साइड करो। और इसमें जो जनता, जो 3-4 महीने बचे मेरे भाइयों, कि 3-4 महीने के बाद फिर इस नगर पालिका के चुनाव होंगे और उसके बाद फिर जैसा कि मैंने अध्यक्ष जी कहा कि हमारा जो काम था पिछले 5 सालों का, उसके पहले के 5 सालों का और उसके पहले के 5 सालों का लगातार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बेहतर काम किया। उसका नतीजा है कि आप चुनाव जीते, मगर 5000 से ज़्यादा वोटों से नागदा में विधानसभा का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी श्री दिलीप सिंह जी शेखावत साहब जीते, उसका यह नतीजा था। इसलिए आप बौखलाहट बंद कीजिए, हम फिर चुनाव यहाँ से जीतेंगे। लोकसभा भी अभी भयंकर मतों से जीते हैं, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, आपके सारे वार्ड, एक एक नेता के वार्ड, एक एक पार्षद के वार्ड हमने जीते हैं लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। और फिर चैलेंज करता हूं मैं कि फिर सब आ जाना, सब मिलके फिर भारतीय जनता पार्टी की परिषद के ऊपर ये शहर की जनता विश्वास करेगी और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की परिषद पूरे शहर की और जनता की सेवा करती रहेगी एक सेवक के रूप में। धन्यवाद। परिषद नागदा के द्वारा जो मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत जो नगर पालिका परिषद का कर्तव्य रहता है, उस कर्तव्य के अंतर्गत जो जो भी सुविधाएं नागदा नगर की जनता को दी जाती है वो 100% पूर्ण कर नागदा नगर की जनता को वो सुविधाएं दी जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा इस एक सप्ताह को लेकर पूरे कांग्रेस के हमारे पार्षदगण, चाहे वो सुबोध जी स्वामी हो, चाहे वो अन्य कांग्रेस के पार्षदगण साथी हो, लगातार नगर पालिका की कार्य पद्धति पर प्रश्न चिन्ह लगाते आए हैं। और मैं तो यह कहूँगा कि लगभग ये 4-4.5 वर्षों में हमेशा ही वो नगर पालिका को कहीं ना कहीं दोषी देना, विपक्ष में रहना अच्छी बात है, विपक्ष में आप रहे हैं, विपक्ष की आप भूमिका में है, आप अच्छी तरह से उसको निर्माण कीजिए, लेकिन एक तरह से कर्मचारी अधिकारियों के ऊपर और पूरी परिषद के ऊपर ये आरोप लगाना, उसके बाद में एक समूह के रूप में नगर पालिका भवन के अंदर आकर अध्यक्ष मुर्दाबाद, परिषद मुर्दाबाद, अध्यक्ष को बदल दो। जिस अध्यक्ष को नागदा नगर की जनता ने चुना है, एक एक नागरिक ने अपना अमूल्य वोट देकर चुना है और उस नागदा नगर की जनता ने जिस आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की परिषद को काबिज किया और लगभग 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की परिषद नागदा नगर की सेवा कर रही है, ये झूठ बोलने का काम और बार बार बोलने का काम कांग्रेस के पार्षदगण करते हैं और कांग्रेस के नेतागण करते हैं। आज यदि अगर ये झूठ वाली बात होती तो आज से आधा घंटे पहले कांग्रेस के पार्षदों के द्वारा क्या मालूम किस गटर नाली का पानी लाकर और पूरी नाटक नौटंकी पूरे तैयारी के साथ की गई है। इसका मैं आज पट्टाक्षेप करने के लिए नागदा नगर में जो तीसरे स्तंभ के रूप में हमारे मीडिया के साथीगण हैं, जो प्रेस मीडिया है, पूरी मीडिया के साथ मैं आज यहाँ आया हूँ और दूध का दूध और पानी का पानी आज साबित हो रहा, आप सब ने देखा है। शुद्ध फिल्टर प्लांट है हमारा, शुद्ध फिल्टर पानी, हमारी सारी आधुनिक मशीनें ठीक है, उनकी मरम्मत भी समय समय पर की जाती है और पानी भी बिल्कुल कांच के जैसा क्लियर आ रहा। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि किसी वार्ड में, किसी स्थान पर, किसी जोन के अंदर इधर कोई ऐसी हमारी पाइपलाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन, या अगर कहीं लीकेज हो जाती है तो हो सकता नाली का या गंदा पानी उसमें मिलने के चांसेस हैं, उसको हम जरूर देखकर दूर कराएंगे, लेकिन पूरे शहर के अंदर एक गलत माहौल क्रिएट करने का काम कांग्रेस के पार्षद गणों के द्वारा किया जा रहा है। और ये पूरे 4-4.5 वर्षों से आपने देखा उन्होंने हमेशा नकारात्मकता की भूमिका में रही है, जब जब भी नगर पालिका कोई अच्छे काम करती है उसमें भी कुछ न कुछ खोट ढूंढने का काम करते हैं। आप सारे मीडिया के साथियों ने पूरे फिल्टर प्लांट का दौरा किया, पूरा पानी को देखा, नदी से जो पानी आ रहा है वो भी आपने देखा और फिल्टर करने के बाद में जो हमारी पद्धति से पानी है वो देखा,
हमारे जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनके भी आपने वर्षन लिए हैं। आज ये पानी आधे घंटे के अंदर इतना फिल्टर नहीं हो सकता है, कल भी आपको फिल्टर मिलेगा, परसों भी फिल्टर मिलेगा। हाँ, कुछ टेक्निकल परेशानी जरूर हो सकती है, जैसे हमारी अधिकारी और कर्मचारियों का कहना है कि कुछ मात्रा में एलम की कमी आई थी। जैसे ही मुझे और अधिकारियों को बताया गया, तुरंत एलम की गाड़ी रात को आ चुकी है, खाली हो चुकी है। तो किसी भी कीमत पर, किसी भी कारण नगरपालिका परिषद नागदा शहर की जनता को जो पेयजल देने का, उपलब्ध कराने का काम करती है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी पेशी ना तो की जाएगी, ना करने वाले को छोड़ा जाएगा। इतना मैं नागदा शहर की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। कांच की तरह फिल्टर पानी है। हमारे केमिस्ट मैडम राठौर मैडम ने भी आपसे पूरी इस तथ्य की जानकारी दी है। और नागदा शहर का नागरिक होने के नाते मैं कांग्रेस के पार्षदों को यही कहना चाहूँगा कि जनता ने बार बार आपको नकारा है, 15 वर्षों से जिस विश्वास के साथ में भारतीय जनता पार्टी की परिषद को चुनने का काम नागदा नगर की जनता ने करा है, उसको आपने विधानसभा में भी देखा है। विधानसभा की हार से आप बौखला चुके हैं और उसी हार का बदला लेने के लिए आप नागदा नगर की जनता को गुमराह करने का काम पानी के माध्यम से और अन्य कारणों से करने का काम कर रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के मित्रों से भी निवेदन करूंगा, राजनीति करें लेकिन उसका स्तर देखें और सच्चाई को देखें। आज सच्चाई नागदा नगर की जनता के पास है। नागदा नगर का कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पास आता है तो मैं खुद गाड़ी में बिठाकर ले जाकर उसको पूरे फिल्टर प्लांट का निरीक्षण कराऊंगा। कोई भी स्वयं सहायता संस्था या कोई भी धार्मिक संस्था के प्रमुख और नागदा नगर के आशीर्वादता जब चाहे, जब मैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी और प्लांट के इंचार्ज से परमिशन करा के आपको पूरे प्लांट का मैं आपको विजिट करा सकता हूँ। नागदा नगर पालिका शुद्ध फिल्टर पानी नागदा नगर की जनता को उपलब्ध कराने का काम कर रही है। जिस तरह की नाटक और नौटंकी कांग्रेस के द्वारा की जाती है वह चरित्र उसका पुराना है और कई वर्षों से करती आई है। इतना ही मैं कहकर आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की परिषद को आशीर्वाद मिला है, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से जनता की सेवा कर उस पर खरा उतरने का काम किया है। मात्र 4 महीने के बाद नगर पालिका परिषद नागदा के चुनाव है, उस वजह से कांग्रेस के पार्षदगण बौखलाहट में कुछ तो भी निर्णय लेकर भारतीय जनता पार्टी की परिषद को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सारी सच्चाई आप लोगों ने देखी है, आप नागदा नगर की जनता को भी सच्चाई दिखाने का काम करें। और मैं स्वीकार करता हूँ यदि अगर किसी वार्ड के अंदर कोई लाइन लीकेज है तो उसको तुरंत सुधार करवा कर वहाँ पर भी हम पानी को ठीक करने का काम करेंगे। आपने देखा नदी से जो पानी आ रहा है वो दूधिया कलर का पानी है, उसका स्वरूप दूधिया है, लेकिन आज जिस तरह से बाटल के अंदर काला पानी लाया गया है उससे तो ये 100% साजिश मानी जाएगी कि किसी नाली या नाले का पानी भरकर वो इस तरह की नाटक नौटंकी करने का काम कांग्रेस के पार्षद द्वारा किया जा रहा है। मैं कांग्रेस के पार्षद और वरिष्ठ नेताओं को भी अवगत कराना चाहूँगा कि आपके द्वारा जिस तरह का कृत्य किया जा रहा है, 4 महीने के बाद नागदा नगर की जनता जिस आशा और विश्वास से भारतीय जनता पार्टी की परिषद को हमेशा आशीर्वाद देती आई है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की परिषद को 2019 और 20 में भी आशीर्वाद मिलेगा। आप यदि घर इतने अच्छे सेवक है तो काम कर जनता को दिखाने का काम करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और एक अच्छी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी की परिषद का सहयोग करेंगे तो इस शहर के विकास में 4 महीने के अंदर और भी जो विकास के कार्य होना है, जो विकास के कार्य चल रहे हैं वो पूर्ण रूप से ठीक तरीके से विकास के कार्य संपन्न हो पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहरहाल देखा जाए तो दोनों ही राजनीतिक संगठन अपनी अपनी जगह सही है। कांग्रेस ने धरने के माध्यम से बोतल में पानी दिखाकर वस्तु स्थिति बताई तो भाजपा ने फिल्टर प्लांट से साफ पानी की सप्लाई होने की बात कही। ऐसे में कहीं पेयजल टंकियों की सफाई नहीं होने से तो मटमैला पानी नहीं आ रहा, क्योंकि चंबल में बाढ़ के बाद इन टंकियों को भरा गया था तो संभावना है कि टंकियों में भी मिट्टी जमा हो, इसलिए नगर पालिका को पेयजल टंकियों की भी सफाई करा लेना चाहिए।